हेलो दोस्तों, क्लास बट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम वी बाबा में ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट के 9 नवंबर 2016 के 3 PM वाले शिफ्ट के पेपर के बारे में। दोस्तों आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा मैथ्स एंड ड्राइंग सब्जेक्ट का पेपर है, यानी कि मैथ्स एंड ड्राइंग ट्रेड का जो पेपर होता है हमारे एम वी बाबा में, उसके पेपर बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है कि इसके सबसे पहले 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक के आते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज के, और 75 आते हैं आपके टेक्निकल एग्जाम के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के नॉन टेक्निकल वाले। ठीक है तो दोस्तों, इसके पहला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के विरक्षक कौन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारतीय संसद। करेक्ट आंसर हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, मालवी, मैथिली, बुंदेली, निमाड़ी। करेक्ट आंसर मैथिली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अक्ष भारत से होकर गुजरता है। 0 डिग्री ईशांतर, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा जो आपके भारत से होकर गुजरती है, और दोस्तों कर्क रेखा जो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैकमोहन रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिप रेखा, डूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, जो कि भारत और चीन के बीच में है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और ऑप्शन देखें, जैसे रेड क्लिप रेखा तो ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, रूरन रेखा ये आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी से क्या तात्पर्य है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रीन स्टेट टैक्स, गोल्ड एंड सिल्वर टैक्स, गोल्ड एंड सेल्स टैक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किस प्राचीन भाषा में लिखी गई हैं। ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृतिक। करेक्ट आंसर पाली। और उससे जातक कथाओं से भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों, तिब्बत सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता हुआ सुप्रसिद्ध हिमालय पर्वत दर्रा कौन सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, खारडुंगला, नाथुला, खैबर, तोसो, लहामो। करेक्ट आंसर नाथुला। नाथुला दर्रा जो आपका तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश कराची की पशु कौन सा है। 4 ऑप्शन है, सफ़ेद बाघ, स्वाम फेरन, बाइसन, इसके अलावा हाथी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वाम फेरन, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। हमारा अगला क्वेश्चन, उड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर दोस्तों है आपका जम्मू कश्मीर। और दोस्तों आपको बता दें कि उड़ी पैसे एक पिक्चर भी आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अकबर, हेमू, शिवाजी और मुगल। करेक्ट आंसर आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस परमाणु बिजली संयंत्र को एक रूसी इकाई के सहयोग से बनाया गया था। 4 ऑप्शन, तारापुर, कैगा, कुंडलकुलम, काकारा पार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोडनकुलम। नेक्स्ट आपको, मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है। संगीत, नृत्य, नाटक, संगीत। करेक्ट आंसर संगीत के क्षेत्र में आपका गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा, 2016 में किसने व्यवसाय तथा मानव सौहार्द के क्षेत्र में नेतृत्व की 10वीं क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड जीता। मुकेश अंबानी, राहुल बजाज, अजीम प्रेमजी, आदि गोदरेज। करेक्ट आंसर आपका आदि गोदरेज। इन्होंने क्या है, 10वीं क्लिंटन ग्लोबल अवार्ड जीता हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट आंसर हमारा क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक सूत्र दोस्तों हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसका सोडियम का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा Na, ठीक है। और यहाँ पे S अगर हम देख रहे हैं ऑप्शन में, तो S हो जाएगा आपका सल्फर का कि आपका पोटेशियम का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2016 में निम्न में से किस शहर में पहला ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। करेक्ट आंसर आपका बेंगलोर। नेक्स्ट हमारा 1982 में अंटार्कटिका में स्थापित पहाड़ का पहला बेस कहलाता है? दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, इंदिरा पॉइंट, दक्षिण प्रयाग। करेक्ट आंसर आपका दक्षिण गंगोत्री। और उसके अलावा अगर हम देखें इंदिरा पॉइंट, तो ये आपका उत्तरी कहलाता है, ठीक। उत्तरी पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है? फूलपाती, माछ, मटकी, जवारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माछ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? MS साहू, SK बनर्जी, विजय केलकर, C रंगराजन। करेक्ट आंसर आपका विजय केलकर। दोस्तों ये उस टाइम पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हमारा वर्ष 2020 में कौन सा देश ओलंपिक की मेजबानी करेगा? ब्राज़ील, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर आपका जापान। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 2020 में कोरोना महामारी के कारण ये चीज़ स्थगित कर दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना आपकी 2 जून 2014 को की गई थी और उसके तेलंगाना राज्य के पहले आपके CM थे के चंद्रशेखर राव। दोस्तों नेक्स्ट हमारे भारत मुनि के नाट्यशास्त्र से उभरने वाली नृत्य शैली कौन सी है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। करेक्ट आंसर आपका भरतनाट्यम। दोस्तों नेक्स्ट हमारा कौन सा जल निकाय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान समुद्र, बंगाल की खाड़ी, 10 डिग्री जल संधि, 11वीं डिग्री जल संधि। करेक्ट आंसर आपका 10 डिग्री जल संधि, ठीक है, जो कि आपका अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। और दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हमारे लास्ट ईयर के पेपर के 2016 जो पेपर्स हुए उसके पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो पेपर हैं इसका उद्देश्य मेरे से पेपर आने का कि इसमें पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन, कितनी वैरायटी के क्वेश्चन आपके आते हैं, जिस प्रकार से आप इसकी प्रिपरेशन कर सके, ठीक है दोस्तों। और इसका जो टेक्निकल सिलेबस रहेगा, टेक्निकल पेपर, उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो में अलग से बाद में सॉल्यूशन पूरा समझा देंगे। बाकी अभी मैं सिर्फ आपको इसके बारे में ओवरव्यू के बारे में बस आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। नेक्स्ट है निम्न वैज्ञानिकों में से कौन से वैज्ञानिक जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे, मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं? अनिल काकोरकर, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, HN सेठना। करेक्ट आंसर अनिल काकोरकर। और इस तो नॉन टेक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्य समाज, प्रार्थना समाज। करेक्ट आंसर आपका ब्रह्म समाज। अब दोस्तों स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा मैथ्स एंड ड्राइंग एंड टेक्निकल सब्जेक्ट का पेपर। दोस्तों इसमें से मैं आपको समझाते जाऊँगा हल्का फुल्का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा पाऊँगा मैं, ठीक है। तो आप सब समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का औसत 154 है, यदि पहली 2 संख्याएं क्रम से 180 एवं 160 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि आपका 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, पहली 2 संख्याएं आपको इतनी 180 160 दी गई हैं, तो आपको करना क्या, देखिए पहली संख्या 180, दूसरी संख्या 160, इन दोनों को जोड़ना है और तीसरी संख्या आपको मान लेनी है x, ठीक है। तो जैसे कि आपने पहली 180 हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई आपकी 160, तीसरी हो गई आपकी x मान लीजिए, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का औसत कितना, 154 है, इसमें आपको 3 का भाग देना होगा, ठीक है। तो इनका एडिशन जो है आपका कितना हो जाएगा, बराबर आपको कितना दिया गया, 154 दिया गया, ठीक है। तो बराबर आपका कितना, 154 दिया गया है। अब वो जो 3 मैंने बताया था आपको इक्वेशन में, जैसे कि शुरू से बता देता हूँ आपको, देखिए आपको दिया गया है 180, ठीक है, ये हो गया आपका 180 प्लस 160
तीसरी संख्या मान लीजिए आप एक्स, ठीक है। इन तीनों का औसत आपको दिया गया है 154, जिसमें तीन का भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि जितनी संख्याएँ होती उतने का हम इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। औसत आपको दिया गया है 154, ठीक है, 154 आपको दिया गया है। तो अब क्या करेंगे आप दोस्तों, इसमें से 154 इसका आप गुणा करेंगे तीन में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 154 में आप यहाँ क्या करेंगे तीन में गुणा कर देंगे, 154 का आप तीन में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 462, ठीक है। आप और करके देख लीजिए कैसे, ठीक है, 462 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया 180, 160 इनको आप जोड़ देंगे, ठीक है। टे कितना हो जाएगा आपका देखिए, 180 प्लस 160, ये आप जोड़ेंगे तो 340 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका 340, और अभी हमारे कितना आया था, ये 154 आपने तीन गुणा किया था तो 462 आया, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस कितना करना है, जो कि आपने अभी इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है, तो कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका माइनस 340, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल गया है कि यहाँ पर 12 में से 2 जाएंगे तो ये आपकी 2 हो जाएगी, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 4 में से 3 जाएंगे तो 122, ठीक है। तो 122 जो है आपका करेक्ट इसमें आंसर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप कॉपी में चला के देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो आपसे बन जाएंगे। और फिर भी अगर ना बने तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक अलग तरीके से इसमें सॉल्व कर लूँगा, पहले मैं सारे क्वेश्चंस को, फिर आपको इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अभी सब मैं ऐसा ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से बन नहीं पाएगा करेक्ट सॉल्व, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्याशा मापांक ई, यानी कि ई का अनुपात होता है, चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन है। विकृति का प्रतिबल, भार, भार का अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, भार का विकृति से, प्रतिबल का विकृति से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिबल का विकृति से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उपकरण का प्रयोग करके समांतर क्षैतिज लाइनों का निर्माण और सेट स्क्वायर को गाइड या होल्ड किया जा सकता है। संयोजन वर्ग, मीटर वर्ग, टी वर्ग, वेवल वर्ग, टी वर्ग। करेक्ट आंसर टी वर्ग जो है, इसका उपयोग करके हम किसी सेट का किसी चीज़ को होल्ड किया सकता है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारे, चित्र में प्रक्षेपण के कोण के प्रतीक का नाम बताएं। इसमें दोस्तों हम क्या बताना, चित्र, इस चित्र आपको नीचे दिया गया डायग्राम जो दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है, प्रक्षेपण के कोण के प्रतीक का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। टे वाला जो आंसर हमारी, हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब दोस्तों नेक्स्ट, जैसे कि हमारा पांचवा क्वेश्चन, ये हमारा लॉग वाला क्वेश्चन दिया है कि लॉग ए बी अपॉन सी को क्या लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इसके में चार ऑप्शन दिए हैं आपको, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, दूसरा दिया लॉग ए प्लस सी माइनस लॉग सी, लॉग ए बी अपॉन लॉग सी, लॉग ए बी माइनस लॉग सी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लॉग ए बी अपॉन लॉग सी जो दिया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ए आपका सिंपल फार्मूला बनता है, जैसे कि हम लिखें लॉग ए अपॉन बी, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस ऑफ लॉग बी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए की जगह आपको ए बी दिया है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉग, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, लॉग ए की जगह आप लिख लीजिए ए बी माइनस, नीचे की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, लॉग सी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग ए बी माइनस ऑफ लॉग सी। तो यानी कि आपका ये देखिए, दोस्तों ए वाला क्वेश्चन जो दिया, मैंने बताया आपको लॉग ए माइनस लॉग सी, ए वाला को आंसर जो है, ए वाला भी ये सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इन्होंने इसको और ब्रेक कर दिया है, तो आपका ए वाला भी सही कहलाएगा। देखिए जैसे कि मैंने लिखा कितना, लॉग ए बी माइनस ऑफ
लॉग सी। अब यहाँ पे जो लॉग ए बी जो है ये फॉर्मूला बनता है आपका लॉग एम एन का, ठीक है, लॉग एम एन का फॉर्मूला बन जाता है। और लॉग एम एन बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम एन की वैल्यू होती है आपकी लॉग एम प्लस ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस चीज़ को और ब्रेक करके लिख लिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से और सरलतम रूप आपका ये हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, यदि ई एम एफ 1.5 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम वाले 16 सेल श्रृंखला में 10 ओम के एक लोड प्रतिरोध से जोड़े जाते हैं तो परिपथ प्रवाह का एम्पियर है। इसका करेक्ट आंसर 1.81 हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वृत्त के अंदर स्थित वृत्त जिनके केंद्र अलग हों कहलाते हैं, उत्केंद्र वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, वृत्त का केंद्र, लंबे वृत्त। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उत्केंद्र वृत्त, जिसके सेंटर अलग अलग हो। लेकिन दोस्तों अगर इनके वृत्त केंद्र सेंटर जो रहते सेम होते हैं तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे सेकेंडरी वृत्त, यानी इंग्लिश में बोले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। यहाँ दोस्तों आपको एक फिगर दिया गया है कि आकृति में चित्रित बोल्ट का प्रकार बताए, इसमें बताना कि किस प्रकार का बोल्ट है। आई हेड बोल्ट, कुक हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट, कप हेड बोल्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हेड बोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आई हेड बोल्ट क्यों है, क्योंकि दोस्तों जैसे आप इसका डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो है ये जो बोल्ट है आई की, आई के जैसे देखते हैं, जैसे आप आई लिखते हैं ना सेम उसी की आकृति का ये है। अब नेक्स्ट है हमारा, ए की पावर ऑफ 6 और इसकी पावर ऑफ 3 की वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है कि जैसे हम लिखें ए, इसकी पावर लिख रहे हैं हम एम और इसकी पावर लिख रहे हैं एन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ए इक्वल होता है आपका एम गुना एन, यानी कि इसका एम का और एन का आपका गुना हो जाता है जो कि ए की पावर बन जाता है। तो यहाँ पर एम की वैल्यू आपकी कितनी है, एम एम इज इक्वल टू दिया आपको 6, ठीक है, एन इज इक्वल टू दिया आपको 3। तो यहाँ पर एम एन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 18, और ये वैल्यू किसके ऊपर रख देंगे हम, ए के ऊपर, तो ए की पावर 18, ठीक है, ये हमारा ला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए देखिए करेक्ट आंसर 18। अब नेक्स्ट हमारे एम के एस प्रणाली में बल की इकाई है डाइन जूल अर्ग न्यूटन, ठीक है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन। अब नेक्स्ट हमारा, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दोस्तों एक्स की आपको फॉर्मूला वैल्यू निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन में से आपको मैं बताऊँ तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा 2a। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, नहीं सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला आएगा, ठीक है। ये देखिए चेक कर लेते हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये देखिए ठीक है आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, एक खास मिश्र धातु 35% 10 Am 65 लेड से बना है, यदि मिश्र धातु का वजन 500 ग्राम हो तो 10 का वजन क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 175 ग्राम। दोस्तों इसका आप निकाल के आ सकते, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कितना है, मिश्र धातु का टोटल वजन दिया गया 500 ग्राम का, ठीक है। अब 500 ग्राम में आपका 35% क्या हो गया, 10 हो गया, 65% आपका लेड हो गया। तो आपको इसमें निकालना कितने का है, 10 का वजन निकालना है, ठीक है। तो आप इसमें 65% को माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी आपको 10 की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे, एक वाहन 4 सेकंड में अपनी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे में प्रवृत्त करता है तो त्वरण खालिस्थान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। करेक्ट आंसर इसका आपको 1.1 आ जाएगा। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, फिर भी अगर नहीं बनता तो मुझे बताइएगा, मैं करके बताऊँगा आपको। नेक्स्ट है आपका, एक नियमित षटभुज का बाहरी कोण कितने डिग्री का होता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 60 डिग्री का। नेक्स्ट है आपका, इरेजिंग शील्ड का कार्य है विभिन्न वक्र बनाना, शील्ड के बीच में रेखाएं बनाना, बनी हुई रेखाओं को शील्ड करना, वक्र को नुकसान पहुंचाया बना, गैर जरूरी सामान को रेखाओं को मिटाना। इसका करेक्ट आंसर आपका वक्र को नुकसान पहुंचाया बना, गैर जरूरी रेखाओं को मिटाना।
नेक्स्ट है आपका एक सममितीय ड्राइंग में एक घन के तीन परस्पर अभिलंब किनारे कितने के कोण पर होते हैं? 120, 90, 45, 30। करेक्ट आंसर 120। नेक्स्ट है आपका चित्र में दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आरेख में प्रयोग किए गए प्रतीक को पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइन जो इन्हें यूज किए इसके बारे में बताना है कौन सा साइन है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है SPST स्विच, DPST स्विच, SPDT स्विच और DPDT स्विच। करेक्ट आंसर आपका SPDT स्विच। नेक्स्ट हमारा चिन्ह का सूचित करता है, मतलब यह सिंबल आपको दिया गया इसके बारे में बताने की क्या सूचित करता है। तो यहाँ पे खोखला वर्ग अनुभाग, नली, स्क्वायर सॉलिड सेक्शन, षटकोणी खोखला अनुभाग, खोखला वर्ग अनुभाग। दोस्तों जब सर्किल, जैसे सर्किल दिया, सर्किल के अंदर आपके आपके पास एक और सर्किल दिया है तो इसका मतलब होता है कि ये खोखला, लेकिन अगर अंदर एक और सेक्शन न दिया होता आपको तो वो आपका सॉलिड कहलाता, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका खोखला वर्ग अनुभाग। अब नेक्स्ट हमारा लाइन जो एक नोट को रस संग जोड़ती है कहलाती है, आयाम रेखा, प्रोजेक्शन लाइन, मुख्य रेखा, विस्तारित राख रेखा। करेक्ट आंसर आपका मुख्य रेखा। पानी के क्वथनांक इसमें आपको बताना है अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो पानी क्वथनांक 373, 32, 80, 90। करेक्ट आंसर आपका 373 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अगर सेल्सियस में पूछे तो यहाँ पर आपका 100 डिग्री आएगा, एक केल्विन में है तो केल्विन में आपका 373 होता है। नेक्स्ट है आपका 2.4314 का एंटी लॉग है, इसका करेक्ट आंसर आपका 270.1। नेक्स्ट हमारा एक ब्लास्ट फर्नेस में प्रगलित लोहा अयस्क से प्राप्त उत्पाद है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील, गढ़ा लोहा। करेक्ट आंसर कच्चा लोहा। नेक्स्ट हमारा अनट्रिम्ड A3 ड्रॉइंग शीट का आकार होता है। दोस्तों इसमें A3 शीट जो होती है आपकी ड्रॉइंग शीट या कोई पेज, आपके पेज भी आते हैं A3 साइज़ के, तो उसका जो आकार पूछा, ठीक है, उसका आकार होता है आपका 330x450 का। नेक्स्ट हमारे एक थ्रेड का प्रकार है जिसमें ट्रांसमिशन के दौरान प्रेशर थ्रेड की दिशा में कार्य करता है, एक्मे थ्रेड, वप्र थ्रेड, मीट्रिक एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड, वप्र थ्रेड। करेक्ट आंसर आपका वप्र थ्रेड। दोस्तों नेक्स्ट इसमें एक नियमित पंचभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है, तो पंचभुज में आंतरिक कोण का मान होता है आपका 108 डिग्री। अब नेक्स्ट है आपका क्षैतिज कोण होता है, 180 से कम, 180 के बराबर, 360 के कम, 360 के बराबर। करेक्ट आंसर आपका 180 डिग्री के बराबर। दोस्तों इसका मतलब होता है क्षैतिज कोण, मतलब कि आप किसी रेखा को एकदम पैरेलल एकदम सीधे क्षैतिज खींचते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है डिग्री में वो आपकी 180 के बराबर होती है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहा है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का आप फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले कितना होता है वो होता है आपका 2πr, और ये आपको कितना देख रखा है 44, ठीक है, इक्वल 44 कर लीजिए। अब यहाँ पर 2 से आप 44 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा आपका πr इक्वल 22, ठीक है। अब यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7 AR इक्वल 22, तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल कितना जाएगा आपका, यहाँ पर आपका R इक्वल कितना आ जाएगा 7, ठीक है, जो कि आपकी रेडियस है। आपको निकालना है कि इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का एरिया कितना होता है आपका A इक्वल πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखेंगे आप कितनी 22/7 इंटू का आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे 1/7 से आपका 1/7 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका A इक्वल 22/7। अब आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये आपका 7×2=4, आपका शेषफल 1 बचेगा, 7×2=15,
कितना आ गया आपका 154, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा, एक पार्श्वती की बहु कंप्यूटर की स्थायी अवस्था होती है, 1, 2, 3, 1 भी नहीं। करेक्ट आंसर आपका 1। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा, यदि 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो भूमि पहुंचने का इसका वेग क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 44.27 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हमारा, चतुर्भुज एक समतल आकृति है जो खालिस्तान की रेखाओं से घिरा होता है, 2 रेखाओं से, 3 रेखाओं से, 4 रेखाओं से, 5 या अधिक रेखाओं से। करेक्ट आंसर आपका 4 रेखाओं से। नेक्स्ट दोस्तों आपका, जब ड्राइंग की लंबाई ऑब्जेक्ट स्केल की वास्तविक लंबाई ज़्यादा है तो इसे कहते हैं परिवर्धी पैमाना, फुल पैमाना, औपचारिक पैमाना, सेल पैमाना। करेक्ट आंसर परिवर्धी पैमाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनलार्जिंग स्केल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सुरक्षित प्रतिबल ज्ञात करें, यदि सुरक्षा कारक 5 Am अंतिम प्रतिबल 3500 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 700 किलोग्राम किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा है 3/4 का समान भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12/16। दोस्तों उसको निकाला कैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये 3/4 आपको दिया गया, इसका सामान आपसे भिन्न पूछा है, तो इसमें क्या किया उन्होंने 4 से ऊपर गुणा कर दिया है और 4 से नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। तो आप कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 और 4 चौको 16। नेक्स्ट है आपको, वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल खालिस्तान पर होता है, बैरल पर, फ्रेम पर, स्पंडल पर, थिम्बल पर। करेक्ट आंसर थिम्बल पर। नेक्स्ट हमारा, एक धातु के टुकड़े का वजन 0.6 किलोग्राम प्रति मीटर है, 9 टुकड़ों का वजन प्राप्त करें जहाँ प्रत्येक की लंबाई इतनी है। इसको निकालने की स्टॉप करना क्या, देखिए जैसे यहाँ पर टुकड़े का वजन कितना दिया आपको 0.6 किलोग्राम दिया है, ठीक है, और 9 टुकड़ों का वजन प्राप्त करना है आपको, और प्रत्येक की लंबाई कितनी दी आपको 4.9 मीटर दी गई है, ठीक है। तो आप इससे 9 टुकड़ों की आप लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके फिर आप टोटल में इसको भाग दे देंगे तो आपका निकल आएगा। यहाँ दोस्तों आपको बताया मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल के लिए BIS चिन्ह है, 4 ऑप्शन आपको देख रहा है, कैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, यहाँ पे इतनी वैल्यू देकर इसको हम परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 56.28 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुक्त हस्तचित्र में लंब रेखाएं खालिस्तान से बनाई जाती हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। करेक्ट आंसर ऊपर से नीचे। नेक्स्ट आपका, ऐसा ही प्रणाली में त्वरण की इकाई होती है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक में हरे, नीले, लाल एवं चांदी के रंग की पट्टियाँ हैं, इसका प्रतिरोध मान होता है। करेक्ट आंसर 5.6 किलो ओम से लेकर 10%। अगला क्वेश्चन, कौन सी फाइल का प्रयोग उच्च मात्रा की फिनिश के साथ अचूक माप लाने में किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका डेड स्मूथ फाइल। नेक्स्ट है हमारा, 25 इंपीरियल गैलन बराबर खाली कितना लीटर होता है। करेक्ट आंसर 113.65। दोस्तों नेक्स्ट है, जब समकोण त्रिभुज अपनी एक भुजा की ओर घूमता है तो इससे उत्पन्न ठोस होता है कौन, सिलेंडर, पिरामिड, गोलक। करेक्ट आंसर आपका कौन। अब नेक्स्ट है, आयाम रेखा कौवा प्रकार है जो है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, डैश थिक, कंटिन्यूस थिक, कंटिन्यूस थिन, चैन थिन। करेक्ट आंसर कंटिन्यूस थिन।
यहाँ दोस्तों आपको एक आकृति दी गई है, उसमें जो चिन्ह यूज किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। माइक्रोफोन, डायनामिक माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायनामिक माइक्रोफोन। उस कोण का नाम बताइए जो 180 से अधिक और 360 से कम होता है। दोस्तों करेक्ट आंसर है बृहत कोण। निम्न में से कौन स्केल के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा टिकाऊ सामग्री है? सेलुलाइड, लकड़ी, जंगलोरी स्टील, आइवरी। करेक्ट आंसर सेलुलाइड। बार की इकाई है घनत्व, बल, ऊर्जा, दाब। करेक्ट आंसर आपका दाब। दोस्तों बार, जैसे बार जो होता है इससे हम प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट हमारा सेट स्क्वायर मुख्यतः लोकप्रिय है बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? क्षैतिज वृत्ताकार रेखाएं, ऊर्ध्वाधर और पट्टी रेखाएं, झुकी हुई वृत्ताकार रेखाएं, ऊर्ध्वाधर और झुकी हुई रेखाएं। और लास्ट ऑप्शन दिया है, लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऊर्ध्वाधर और झुकी हुई रेखाएं। नेक्स्ट हमारा वन वेबर बराबर मैक्सवेल होता है 10^8। अगला हमारा 2 किलोमीटर खालिस्तान मिल के बराबर होता है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका 1.2343 के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, एक छड़ ए बी 8 मीटर लंबी एवं ए पर इसका वजन 10 किलोग्राम है, आलंब बी से 3 मीटर की दूरी पर, यदि छड़ असंतुलित अवस्था में हो तो बी पर इसका भार परिकलित कीजिए, यानी बी का भार इसमें ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर इसका आपका जो हो जाएगा 16.6 किलोमीटर। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा, ना भाई तो बताइएगा। नेक्स्ट हमारा, इस पेज में एक स्थान को दर्शाता है, इसकी कोई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, वक्र रेखा, बिंदु रेखा, कोणीय रेखा, सीधी रेखा। करेक्ट आंसर बिंदु रेखा। दोस्तों बिंदु जो होता है पॉइंट, इसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने पॉइंट रख दिया है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, ना ही कोई हाइट होती है। साइन 45 का त्रिकोणमितीय मान होता है, दोस्तों साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। अगला हमारा, 20 मीटर ऊंचे एक पोल के शीर्ष पर एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होगी? 100 जूल, 980 जूल, 800 जूल, 500 जूल। करेक्ट आंसर 980 जूल। अब नेक्स्ट हमारा, धातु का एक टुकड़ा हवा में 100 ग्राम एवं तरल में 80 ग्राम होता है, अगर तरल का सापेक्ष घनत्व 0.8 है तो धातु का सापेक्ष घनत्व होगा 4। नेक्स्ट हमारे, यदि 2 HP वाला एक मोटर 20 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे तक प्रचारित हो तो किलोवाट पर औस ऊर्जा खपत होती है 147.1। नेक्स्ट हमारा, यदि a रेशो b बराबर 9:12, b रेशो c बराबर 8:10 तथा a रेशो b रेशो c बराबर आपको ज्ञात करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ दिया गया है a और b दिया, तो आप a फिर b और c इन तीनों को क्या कीजिए, एक रेखा में लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद a की वैल्यू आपकी कितनी है, 9 है, b की वैल्यू यहाँ पे a b में कितनी दी है आपको, 12 है, ठीक है, यहाँ 12 लिख लीजिए। फिर यहाँ BC बराबर 8:10 दिया है, तो उसके यहाँ पे B की वैल्यू फिर से आपको 12 दी गई थी और यहाँ पे B की वैल्यू 8 दी गई है, तो B के नीचे आपको B की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और फिर यहाँ C की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, और BC की वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे, C की वैल्यू कितनी, 10 है। इस प्रकार से अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, और करना क्या है आपको, यहाँ पर 9 में 8 का गुणा करना है, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 8×9=72, ठीक। फिर रेशो लगाइए, फिर 12 में 8 का 12×8=96, फिर रेशो लगाइए, और फिर 12×10 में कर दीजिए, जो आपका 120 कितना आ गया, 72×96=120, ठीक है। अब दोस्तों आप स्कोर सरल फॉर्म में तोड़ लिए, जैसे किसी 3 से भाग जा रहा सब में, ठीक है, हम 3 से भाग देंगे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3×6 3×4=12, इसमें ही जाएगा 3×9 3×6 फिर 3×4=12 0। अब देखिए ई वाला कट गया पूरा, ठीक है, अब बची ई वाली वैल्यू,
अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कितने का भाग जा रहा है, तो इसमें आपका 8 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो हम देंगे कितने का, 8 दिया 24, 8 चौको 32 और 8 पन 40, ये देखिए कितना आ गया आपका 3, 4 और 5, ये आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को आप देखिएगा पहले और सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab करके फॉर्मूला होता है, उसको पहले आप लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर ना बने तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूँगा। इसका करेक्ट आंसर फिलहाल में आप देख लीजिए 17 है। अब नेक्स्ट, कितने मीट्रिक चूड़ियों के लिए चूड़ी कोण है जब पैंच की चूड़ी आंतरिक या बाहरी बेलनाकार सतहों पर बना कुंडलित खांचा है। इसका करेक्ट आंसर 60 डिग्री। अब सो नेक्स्ट है हमारा, चतुर्भुज जिसकी चार समान भुजाएं और समान विपरीत कोण है कहलाता है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब। करेक्ट आंसर समचतुर्भुज, ठीक है। उसको इसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं लेकिन एंगल अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, आपका लेखन प्रक्रिया की जानी चाहिए जो खाली स्थान से पढ़ी जा सके, ड्राइंग के रूप में, ड्राइंग के नीचे से, ड्राइंग के बाएं से, ड्राइंग के दाएं से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्राइंग के नीचे से। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए ड्राइंग में अक्षर विविध शैली में प्रिंट किए जाते हैं, IAS ने इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के लिए कुछ मानक तय किए हैं, अतः अक्षरों को निर्दिष्ट किया जा सकता है खाली स्थान के आधार पर। करेक्ट आंसर ऊंचाई के आधार पर। नेक्स्ट हमारे, यदि एक घन अपनी एक भुजा पर आराम की मुद्रा में है ऐसे में समतल का आकार होगा। करेक्ट आंसर वर्ग। दोस्तों यहाँ पर एक पंचकोण की आकृति आपसे पूछी गई है, ठीक है। इसमें आपको चार आकृति दिए गए हैं, आपको बताना है पंचकोण की आकृति कौन है, आपको आंसर बरखुरी बताना है। नेक्स्ट हमारा, कोल्ड वाटर के लिए नल कार्य में प्रयोग किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है। इसका करेक्ट आंसर CW, कोल्ड वाटर, ठीक है। CW, सी से कोल्ड और W से वाटर। यहाँ पर आपको चिन्ह पहचानना है, ठीक है। ट्यून ट्रांसफार्मर का है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का, फेराइट कोर इंडक्टर का, ट्रांसफार्मर टैप सेकेंडरी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, 1 MΩ खाली स्थान ओम के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर 10^6 ओम के बराबर। नेक्स्ट हमारा, खाली स्थान आयाम प्रणाली की एक विधि है, लंब प्रणाली, सम्मिलित प्रणाली, क्षैतिज प्रणाली, एलन प्रणाली। करेक्ट आंसर सम्मिलित प्रणाली। RC श्रृंखला वाले परिपथ का धारिता प्रतिरोध इतना है तब परिपथ की प्रतिबाधा होगी। इसमें आपको चार ऑप्शन दे के रखे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 64.4 ओम। उस नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 से 55 वॉट खाली स्थान HP के बराबर। करेक्ट आंसर 10 HP। नेक्स्ट हमारा, समतल का आकार है जब ड्राइंग के लिए गोलक को तीसरे कोण में रखा जाता है। करेक्ट आंसर वृत्त। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, उपयुक्त रेखा का प्रकार, जो रेखा बताई गई ऊपर इसके बारे में बताना है कि ये रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, सतत, चौड़ी, सतत, पतली, केंद्र रेखा, कटी हुई समतल रेखा। करेक्ट आंसर आप कटी हुई समतल रेखा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें रेखा जो कटी हुई समतल रेखा है। 74 क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं, देखिए आपको दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका π r² एक किसके बराबर दिया है, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया होता है आपका कितना, a² ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया, 324 दिया है, ए आपको दिया है कितना 324, तो 324 आप रख लीजिए इक्वल a² ठीक है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से आप कीजिए
तीन से चौबीस को जब ब्रेक करेंगे तो कितना आपका 18 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद आप 18 में 18 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 864 की 4 हाँ सिलाई 6, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाँ सिलाई आपकी 2 हो जाएगी, 2 यहाँ पे 1 और 2 324, ठीक है ना, जो कि इसका एरिया के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे एक पंचभुज की खालिस्थान भुजाएं होती हैं। दोस्तों पंचभुज की 5 भुजाएं आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इसके सारे 75 क्वेश्चन टेक्निकल के और 25 क्वेश्चन हमने नॉन टेक के कर लिए जो कि मैथ्स एंड ड्राइंग का है। तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सब आप करके देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपसे न बनाए तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके लिए अलग से और वीडियो भी बना दूँगा सॉल्यूशन पूरा अलग से टेक्निकल के पेपर का सॉल्व करने के बाद। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।